इन क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रिंग 18 का सवाल है, कतील वाला। कहता जी, अंडर द प्रोविजन ऑफ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एंड रूल्स मेड देयर अंडर, कंप्यूट द टोटल इनकम, टोटल टैक्सेबल इनकम एंड नेट टैक्स पेबल बाय या रिफंडेबल टू कतील इंटरप्राइजेस फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2018। 30 जून पे जो ईयर एंड हो रहा है, हमने कतील इंटरप्राइजेस का क्या करना है, हमने उसका टैक्स जो है वो कैलकुलेट करना है। मिनिमम टैक्स इग्नोर, तमाम एग्जम्पशन अलाउंसेस हमने शो करने हैं। अब कहते हैं कि कतील रेजिडेंट इंडिविजुअल है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वेरियस कंज्यूमर गुड्स है, अंडर द नेम ऑफ कतील एंटरप्राइजेस द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। ये उसका टर्नओवर है। अगर ये ना बताता ना टर्नओवर वाला चाहिए, अगर ये पॉइंट हमें ना बताए तो हम मिनिमम टैक्स लगाते हैं। कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग लॉस, फाइनेंस चार्जेस ऑन लीज ऑफ मशीनरी। अब ये मुझे पता है कि फाइनेंशियल चार्जेस, अगर आपने कोई मशीनरी लीज पे ली हो, वो क्लेमेबल नहीं होते। तो इसने यहाँ पे इंफॉर्मेशन गिवन की है, तो ये तो मुझे क्या कर दूंगा, सबसे पहले मैं इसे ही एड बैक करूंगा, ये क्लेमेबल नहीं है। फिर अदर इनकम है, फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, इसे हमें गिवन कर दिया। हमारी कैलकुलेशन शुरू होगी इस प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से। फिर कहता है ये कॉस्ट ऑफ सेल्स है, इसकी बात करता है। 45,000 पेड एज फाइन फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद द कस्टमर फॉर डिले इन सप्लाई ऑफ गुड। तो ये तो ठीक है, ये क्लेमेबल हो सकता है, आपने लेस किया हुआ है, ठीक है, ओके, कोई ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, ये एक्सक्लूड है, इसको शो नहीं, इसको मतलब एक्सक्लूड करेंगे। अकाउंटिंग डिप्रेशन 19 लाख रुपए की है, ये हमारी क्या हो जाएगी, ये हमारी हमेशा एड बैक हो जाएगी, बिकॉज ये इनएडमिसिबल है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसिस में कहते हैं जी, एक्सपेंसिस में लेस किया हुआ है, ये लेस किया हुआ, ठीक है। 45,000 पेड फॉर रिन्यूएबल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस फॉर 15 ईयर्स। आपने मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस जो है उसकी रिन्यूअल फी पे की है, ये 15 ईयर्स रहेगा। तो भाई ये अमोर्टाइज होने है, ये अमोर्टाइज होने है, आपने लेस किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको एड बैक करेंगे और इस 4.5 लाख को फिर हम उसके मोटाइजेशन चार्ज करेंगे, 15 पे डिवाइड करेंगे, जो जवाब आएगा उसकी मोटाइजेशन ले लेंगे। व्हीकल टैक्स इन कैश, अब व्हीकल टैक्स कैश में पे किया होता है, ये हमारा क्या हो जाता है, इसको हम क्लेम कर सकते हैं, ये हमारा लेस हो जाता है। ये हमने वहां पे बड़े कैटेगोरिकली हमने बात पढ़ी हुई है कि जो व्हीकल टैक्स जो है ये हम क्या हो सकता है, ये हम इसको लेस करवा सकते हैं। उसके बाद 2 लाख पे किया है सिक्योरिटी डिपॉजिट। ये मैंने आपको इनकम फ्रॉम बिजनेस के वहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे साफ साफ बताया था कि ये जो सिक्योरिटी डिपॉजिट वगैरह होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये इनएडमिसिबल होते हैं, ये एड बैक हो जाएंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा, हमारा एड बैक हो जाएगा। उसके अलावा एडवांस टैक्स, अब टैक्स इसने लेस किया हुआ है, लेस तो नहीं होना, ये भी क्या हो जाएगा, एड बैक हो जाएगा। अब कैश डोनेशन और डोनेशन टू पेड थ्रू डोनेशन टू इदी फाउंडेशन, अब ये दोनों डोनेशन क्या हो जाएंगी, एड बैक हो जाएंगी, ये क्लेम नहीं हो सकती। हाँ, जो कैश में डोनेशन की है, इसके ऊपर इसको रिबेट नहीं मिलेगा, सिर्फ ये 2 मिलियन की जो डोनेशन होगी इस पे हम क्या लेंगे, इसका रिबेट लेंगे। हम इस 2 मिलियन की अमाउंट को कंपेयर करेंगे 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ, जो लोअर होगी उसके ऊपर हम रिबेट ले रहे होंगे, बट बिजनेस में ये क्या हो जाएगी, एड बैक हो जाएगी। फिर से 25,000 की पेनल्टी भी लेस की है, जो कमिश्नर ने इम्पोज की थी फॉर लेट फाइलिंग ऑफ रिटर्न। अब ये डिसअलाउड है, ये भी हमारी क्या होनी चाहिए, प्रॉफिट में एड बैक हो जाएगी। एंटरटेनमेंट एक्सपेंडिचर 28 की है, ये ठीक हुए हैं, इसका हम कोई ट्रीटमेंट नहीं लेंगे, ये ठीक लेस हुए हैं, इसका हम कोई किसी किस्म का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। फिर अदर इनकम में शामिल है डिविडेंड 5,80,000 रुपए का फ्रॉम लिस्टेड कंपनी, दैट अमाउंट ऑफ इज नेट ऑफ टैक्स एट द रेट ऑफ 15% ज़कात। अब डिविडेंड, ये वही ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको यहाँ पे इस सवाल में असगर वाले में सॉल्व करके दिखाया है, सेम उसी वे में हम क्या कर रहे होंगे, डिविडेंड को ट्रीट कर रहे होंगे, हम वो इनकम लेस करवा देंगे और बाद में हम अदर सोर्स में जाके एफटीआर की इनकम में ये डिविडेंड जो है वो डिक्लेयर कर रहे होंगे। कैपिटल गेन है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स का, तो ये सेक्शन नंबर 37 में फॉल करना है, हम इसको कैपिटल गेन में शो करेंगे, बिजनेस में नहीं होना चाहिए, यहाँ से लेस करवा देंगे, ये हमें बात लगती पता, तो ये भी वो ट्रीटमेंट है। अब आप देखें एडजस्टमेंट्स रिपीट है, ये एडजस्टमेंट्स बिल्कुल मिनवन क्या हो रही है, रिपीट हो रही है। उसने अदर इनकम में दूसरे हेड्स ऑफ इनकम की शामिल की होती है, हम वो लेस करवा देते हैं। तो न्यू एडजस्टमेंट कोई नहीं है इसमें से, जो आपके लिए बड़ा मुश्किल है और ये ऐसे और वैसे, ये ऐसा कुछ भी नहीं है।
फिर 30 जून को कहता है लीज मशीनरी कतील ने ट्रांसफर कर ली है ऑन मेच्योरिटी ऑफ लीज। द लीजिंग कंपनी वाज आस्क्ड टू एडजस्ट द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी। उसने कहा ठीक है आप अपने सिक्योरिटी के अमाउंट एडजस्ट करें अगेंस्ट द रेजिडेंट वैल्यू जो भी स्क्रैप वैल्यू उसके अगेंस्ट 1 लाख रुपए की। द कमेंसमेंट डेट 1 जुलाई की थी। लीज रेंटल 2,70 के हैं। ऑन डेट ऑफ मेच्योरिटी अकाउंटिंग डब्ल्यू डी वी जो है थी 5,90 की थी और मार्केट वैल्यू 8 लाख की। मैंने आपको लीज एसेट के ऊपर तोते की तरह पढ़ाया था, वो पूरी बात जो है बताए आपने सिर्फ रेलेवेंट पे जाना। रेलेवेंट पे क्या, ये लीज रेंटल्स हैं, ये अलाउ है, ये क्लेम है, ये आपने लेस करवा देने हैं। अगर आपने लीज एसेट्स को एक्वायर किया तो ये रेजिडेंशियल वैल्यू जो है आपकी कॉस्ट बन जाएगी। आप क्या करेंगे, आप 1 लाख रुपए के ऊपर इसको रिकॉर्ड करेंगे। आप चूंकि मशीनरी ली है तो 15% के हिसाब से क्या कर रहे होंगे, आप इसको डेप्रिशिएट कर रहे होंगे। ये बात तोते की तरह पढ़ाई है आपको लेक्चर्स में कि यार इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, याद रखिएगा, ये भूलना नहीं है। अब ये मार्केट वैल्यू, डब्ल्यू डी वी, ये सारी की सारी क्या है, इररिलेवेंट है। टैक्स डिप्रिसिएशन इररिलेवेंट है। जो फाइनेंशियल चार्जेस उसने ऊपर पे कराए थे वो हमने ऊपर सवाल पढ़ते हुए आइडेंटिफाई किया, हमने कहा एड बैक हो जाएंगे, बाकी चीजें हमने अपनी आइडेंटिफाई कर ली। उसने क्या है, ड्यूरिंग द ईयर अ वेयर हाउस वॉज कंस्ट्रक्टेड फॉर स्टोरेज ऑफ गुड्स। इतने का वेयर हाउस कंस्ट्रक्ट किया है। अब ये बिल्डिंग है, इसके ऊपर क्या लेंगे, इस कॉस्ट के ऊपर जो रेट हमें गिवन होगा हम 10% के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज कर रहे होंगे। कहते हैं टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर टैक्स ईयर 18 विदाउट द इफेक्ट ऑफ दिस, मतलब इसके और इसके अलावा डेप्रिसिएशन जो है वो 1,560,000 है, ये भी हम क्या करेंगे, लेस करवा देंगे। तो ये सारे एडजस्टमेंट्स हैं, सवाल तो खत्म हो गया। एडवांस इनकम टैक्स जो है वो हमने 84 का पे किया है। टैक्स निकालने के बाद उसमें से हम क्या कर देंगे, इसकी एडजस्टमेंट कर रहे होंगे। सो दिस वाज द क्वेश्चन कतील इंटरप्राइजेस का। मेरे ख्याल से ये सवाल हर एडजस्टमेंट डूएबल है, डिस्कस भी कर दिया, ऐड कौन सी होनी है, लेस कौन सी होनी है। अब इसमें कैलकुलेशन कम है, चीजें ऐड या लेस, ऐड या लेस, ऐड या लेस हो रही है। और ये कतील वाला सवाल वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन कंसीडर होता है। आपको लग रहा है मुश्किल, इज इट रियली डिफिकल्ट क्वेश्चन?